ये जो सब्जेक्ट है इन सब्जेक्टों को पढ़ने का अपना ही अलग मजा है, कि जब इन सब्जेक्टों का आप अध्ययन करेंगे, इन विषयों का अध्ययन करेंगे तो आप अपने अंदर जो है देखना परिवर्तन महसूस करेंगे। और इस तरह का परिवर्तन जैसे कि आपको लगेगा कि मतलब जो दिन आज बीता है कल का दिन आपके लिए बेहतर होगा, या आप उस कल के दिन में अपने आप को पहले वाले बीते हुए दिन से बेहतर महसूस करोगे कि अब ठीक है, पहले ऐसे था अब ठीक है। जैसे जैसे इन विषयों का अध्ययन होगा, चाहे फिर वो एथिक्स हो, सामाजिक न्याय की बात हो रही है, समाज कल्याण की बात हो रही है, सामाजिक मुद्दों की बात हो रही है, तो इन बातों को पूरे समाज को समझना शुरू कर दोगे तो फिर आपका डिसीजन मेकिंग भी और बेहतर होने लगेगा। अंतर करना शुरू कर दोगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सी बात कहाँ तक ठीक है कहाँ तक गलत है। और जब अंतर करना शुरू कर दोगे तो आपके द्वंद्व जो है, जो मनोस्थिति ऐसी हो जाती है कि आपके अंदर हर एक व्यक्ति के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता है, द्वंद्व चलता रहता है, ये करूं ना करूं, ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसा करूंगी तो ये हो जाएगा, ये स्थिति से आप काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि आपने बातों को समझ लिया, उनका ठीक से अध्ययन कर लिया और अच्छा बुरा मूल्यांकन भी कर लिया, उन दोनों बातों में अंतर कर लिया, उन बातों में अंतर करना सीख गए। तो जब आप अंतर करना सीख गए तो आपका डिसीजन मेकिंग भी एकदम क्लियर होगा, फास्ट होगा, आप सीधे जो है एकदम कम समय में बेहतर डिसीजन लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, उसमें उलझेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए आपको अगर शूज खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं, और आपको शूज के कपड़ों के बारे में बेहतर नॉलेज है, बेहतर जानकारी है, उसके फैब्रिक के बारे में, उसके सॉल के बारे में, उसकी टेक्निक के बारे में बेहतर जानकारी हो, तो आप मार्केट में जाओ, आप सीधे सीधे जो है उस शूज का, उस कपड़े का छू करके देख करके अनुमान लगा लोगे, अंदाजा लगा लोगे, और उनमें से अगर चॉइस करनी होगी तो जो आपके लिए बेस्ट होगी, जो आपने मूल्यांकन किया, आपके पास जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको आपने देखा कि हाँ ये फैब्रिक ठीक है, इस फैब्रिक को पहनने से बॉडी पर नुकसान नहीं होगा, आरामदायक रहेगा, तो कम समय में आप एक बेहतर डिसीजन ले पा रहे हैं, और उससे डिसीजन लेने से आपको वो चीज हासिल भी हो रही है और समय बच रहा है, आगे बढ़ जा रहे हैं। अब सोचे जो पता ही नहीं है, कपड़े खरीदने के लिए गया है, साथ में अपने दो साथियों को लेके गया है, दो तीन साथियों को, या तुम बताना, जो तुम बताओगे वही खरीदो, एक जोड़े कपड़ा खरीदने का ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगता है, 4 घंटे लगा दिए, और उसके बाद एक खरीद के लेके आया अपनी मर्जी का नहीं, जो साथ गए तुम्हें बताया ही नहीं, क्योंकि द्वंद्व में फंसे रहे, कौन सा लूं ना लूं, क्या करूं, स्पष्ट नहीं, अस्पष्टता बनी हुई है, और जब ऐसा रहेगा तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, डिसीजन ले पाओगे तो न्याय नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के ये जो विषय है इनको गहराई से समझना चाहिए, जब समझोगे तो बेहतर इंसान पाओगे खुद को। तो इन्हीं सब विषयों का थोड़ा अध्ययन करेंगे, तो आज बात करेंगे न्याय की, न्याय देखिए न्याय की डेफिनेशन को, क्योंकि हमने कल जो न्याय के कॉन्सेप्ट को समझा था, आज जो इसकी डेफिनेशन बना देने की कोशिश करते हैं, परिभाषा, न्याय की परिभाषा। देखिए न्याय की जो धारणा होती है इसमें पूर्वाग्रह हो, पक्षपात हो, या फिर भेदभाव हो, क्या इनका कोई स्थान होता है? इनका स्थान नहीं होता है। अगर इनका स्थान होगा तो क्या आप उस व्यवस्था को न्यायोचित ठहराएंगे? नहीं ठहराएंगे। तो जहां पे पूर्वाग्रह पहले से बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आप जो है एक न्यायाधीश है, आप एक विशेष धर्म से ताल्लुकात रखते हैं
और एक अपराधी है जो कि आप ही के धर्म का, आपकी कौम का, आपकी जाति का है। और आपने कहा अच्छा ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा बिरादरी का है, आपने मन में पहले ही बैठा लिया है कि ये अपराधी हो ही नहीं सकता है। ऐसे में क्या है, उसने अगर अपराध भी किया हो, आप उसके लिए एकदम न्यूट्रल हैं या उसका फेवर कर रहे हैं, तो फिर जो न्याय की उम्मीद लेके आया है व्यक्ति, क्या उसके लिए आप न्याय कर सकते हैं? नहीं कर सकते उसके लिए। ऐसे दूसरी स्थिति, अगर मान लीजिए आप किसी एक धर्म से ताल्लुकात रखते हैं और मान लीजिए आपके मन में पहले से पूर्वाग्रह बैठा हुआ है कि उस धर्म के व्यक्ति आतंकवादी होते हैं, उस धर्म के व्यक्ति जो है दंगाई होते हैं, आपने पहले से अपने मन में मना रखा है, आपने नाम सुना अच्छा ये इसको तो सजाए मौत सुनाई जाए, और जबकि वास्तविकता यह कि उस व्यक्ति ने कुछ किया ही नहीं, उल्टा उसको जो है टारगेट किया जा रहा था, तो क्या ऐसे में आप न्याय कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो न्याय की धारणा है उसमें पूर्वाग्रह, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन और पक्षपात, पार्शियलिटी, न्याय की धारणा में पूर्वाग्रह, भेदभाव और पक्षपात के लिए कोई स्थान प्राप्त नहीं है। इनके लिए क्या है? इनके लिए कोई स्थान प्राप्त नहीं है, या इनके लिए कोई जगह नहीं है न्याय की धारणा में। क्योंकि आप देखोगे जो राजनीतिक समाज है वो केवल और केवल न्याय की व्यवस्था पर ही टिका हुआ है। जो समाज है हमारा वो न्याय की व्यवस्था पर तो टिका है, पर किसी के कोई व्यक्ति वनलेवल सेक्शन से आता है, दवा कुछ लेवल से आता है, उस व्यक्ति के साथ एक उच्च जाति के व्यक्ति ने उसको मारा, उसको पीटा, प्रताड़ित किया, सोच के देखिए अगर उस गरीब व्यक्ति का, उस निम्न वर्ग के व्यक्ति के लिए अगर कोई न्यायपूर्ण व्यवस्था ना हो तो फिर तो वो व्यक्ति कुछ समय तक, मतलब जितना उससे बर्दाश्त होगा तब तक बर्दाश्त करेगा, और जब बात जो है उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी, उसकी सहने की क्षमता से बाहर हो जाएगी, तो फिर ऐसे में वो व्यक्ति विद्रोह करना शुरू कर देगा, विद्रोही हो जाएगा। ऐसे हुआ, हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास गवाह है, जिस भी वर्ग का शोषण हुआ तो एक सीमा के बाद जो है फिर विद्रोह होना शुरू हो गए। जैसे अंग्रेजों ने यहाँ आए, भारतीयों का शोषण किया, यहाँ तक कि जानवरों से तुलना कर दी, जानवरों के समान बिहेवियर रखा, एक समय के बाद, साल लगा, एक पूरा शताब्दी लगा, दो शताब्दी लगे, तीन लगे, ऐसे न जाने कितनी शताब्दी बीती, और अंत में जब सहन शक्ति खत्म हुई कि भाई अब नहीं, तो विद्रोह हुए, विद्रोह हुए तो उस चीज से फिर मुक्ति भी मिली,
दंगे भी हुए, न जाने कितने लोग मारे गए, मरे गए। अगर वही व्यवस्था होती कि न्याय है पूर्ण होती, हर एक व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की बात होती, तो शायद ऐसा नहीं होता। हो सकता था कि ये राजकाज और भी चलता रहता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। वही चीज है कि जो राजनीतिक समाज है वो केवल और केवल न्यायिक व्यवस्था पर टिका है। तो इसी में लिख सकते हैं कि इनके लिए कोई खास या कोई स्थान प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है उसको समझ लेंगे, क्योंकि जो राजनीतिक समाज है, राजनीतिक समाज केवल न्यायिक व्यवस्था पर टिका हुआ है, इसलिए क्या है, लोग बड़े बहादुरी से बोल देते, बड़े साहस से बोल देते कि देख लूंगा तुझको कोर्ट में। अगर मान लीजिए किसी समाज में या समाज में रहने वाले लोगों को न्याय ना मिले, अर्थात न्याय ना होने पर समाज में कैसा हो जाएगा, अराजक हो जाएगा और दमनकारी हो जाएगा, ठीक है। तो न्याय ना होने पर समाज अराजक और दमनकारी हो जाएगा। अराजक एनार्कीय और ऑपरेशिव, और इसका परिणाम क्या होगा फिर? देखिए, हर एक समाज की अपनी अलग संस्कृति होती है और इन संस्कृतियों से मिलकर एक इनका ही एक समूह एक सभ्यता का विकास करता है, ठीक है। हर एक समाज की अपनी अपनी एक सभ्यता संस्कृति होती है। तो मान लीजिए एक ही समाज को आप बार बार दबा रहे हैं, उसको कुचल रहे हैं, तो क्या वास्तव में उसका विकास हो पाएगा? वो समाज मुख्यधारा से जुड़ेगा? वो जुड़ेगा नहीं, उसको एकदम विलुप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, तो जो उसकी संस्कृति थी वो भी उसके साथ साथ दफन हो जाएगी, वो भी उसके साथ साथ दफन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर एक अभियान चला दिया जाए कि जो जनजाति लोग हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजाति समूह हैं, इन सबको जंगलों से खदेड़ खदेड़ के बाहर निकाला जाए, उनके जो मूल स्थान है, जन्म स्थान है, वहां से हटा दिया जाए, उनको सारे पेड़ पौधे काट दिए जाए, तो जो उनकी संस्कृति है, सभ्यता है, क्या वो बरकरार रहेगी? नहीं रहेगी एकदम, वो भी दफन हो जाएगी उन्हीं के साथ साथ। तो क्या फिर जो जनजाति समूह है, जो आदिवासी समूह है, जब वही नहीं रहेगा, उनकी सभ्यता संस्कृति भी नहीं रहेगी, तो इसका परिणाम ये होगा कि ऐसे में सभ्यताओं का विकास सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में यहीं पे लिख लेंगे, परिणाम स्वरूप
सभ्यताओं का विकास नहीं हो पाएगा। जैसे कुछ ही वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया और आज का उसका परिणाम आप देख रहे हो कि अपने हिंदुस्तान में थे, जो अपनी संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा है, इस भाषा को बोलने वाले लोगों को निम्न समझा जाता है। किसके तुलना में? जो अंग्रेजी भाषी लोग हैं, जो अंग्रेजी बोलते हैं, वो अपने आप को बेहतर समझते हैं। हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हम द बेस्ट हैं आपसे। सोच के देखिए, अंग्रेज अगर पूरी तरह से दमनकारी नीति अपना करके एकदम नष्ट नाबूद कर देते, मतलब जो भारत था, भारत रहता ही नहीं, भारतीय लोग रहते ही नहीं, ना हिंदी, ना संस्कृत, ना उर्दू, ना स्थानीय, ऐसा कोई रहती ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रहती, अंग्रेजी रहती, तो जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, क्या वो बरकरार रहती? नहीं रहती। हो सकता था जो हमारे मंदिर हों, मस्जिद हों, गुरुद्वारे हों, या रहते सब जगह चर्च हो जाते, हो सकता था ऐसे। तो यही चीज है, एक न्याय का होना कितना जरूरी है। न्याय नहीं होगा तो उसके परिणाम क्या होंगे, जैसे एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी पूर्वाग्रह, पक्षपात या फिर भेदभाव की जगह नहीं है न्याय की धारणा में। जब न्याय की धारणा की बात करते हैं हम, तो वहां पर पूर्वाग्रह, भेदभाव और पक्षपात, इनके लिए कोई भी स्थान नहीं है, इनके लिए कोई भी स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, वो केवल और केवल न्यायिक व्यवस्था पर ही टिकी हुई है। ऐसे में अगर न्याय ना होने पर, न्याय नहीं होगा तो स्वाभाविक है वो समाज अराजक हो जाएगा और दमनकारी हो जाएगा। तो वही बात होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला हो जाएगा। और इसका परिणाम ये होगा कि शायद संस्कृति और सभ्यताओं का विकास ना हो पाए। ठीक है, तो न्याय जो है बहुत जरूरी भी है। जैसे सुकरात के बारे में तो आपने सुना होगा, सुकरात ने एक लाइन गई, सुकरात ने बताया कि न्याय दरअसल एक नैतिक कृत्य है। न्याय क्या है? एक नैतिक कृत्य है। जस्टिस इज अ मोरल एक्ट। सुकरात कहते हैं दरअसल न्याय एक नैतिक कृत्य है, नैतिक कृत्य है। ठीक है, जस्टिस इज अ मॉरल एक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप न्याय कर रहे हैं किसी के साथ, जिसको न्याय मिल रहा है, तो अच्छी बात है, ये एक नैतिकता का परिचायक है। ये बता रहा है कि हाँ, समाज में अभी भी नैतिकता बरकरार है, अभी भी जो है उस नैतिकता को लोग मानते हैं, ना तो पूर्वाग्रह लेके बैठते हैं, ना पक्षपात और ना ही भेदभाव जैसे तत्व शामिल है। तो सुकरात ने अपना अलग स्टेटमेंट दिया। मान लीजिए अगर आप किसी वर्ग को इतना दबा रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं, और उस शोषण से त्रस्त आके, ऐसे थोड़ी ना कि सभी लोग साहसी होते हैं कि उसका विरोध कर लेते हैं। आप किसी बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने से रोक रहे हैं, आप बाहुबली हैं, आप जो है दमदार व्यक्ति हैं उस क्षेत्र में, और
एक ऐसा बच्चा जो पढ़ना चाहता है मगर इतना दमदार नहीं है आपकी तुलना के बराबर, स्कूल आता है पढ़ने के लिए, आप उसको बाहर से भगा देते हैं, पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। तो हो सकता है या तो वो व्यक्ति विद्रोह कर दे, वो बच्चा विद्रोह कर दे कि आज निपटा लूंगा तुझे, देख लूंगा। हो सकता है कि उसके अंदर साहस ना हो, ठीक है, साहस ना हो, या उस चीज को वो इतना गहराई से ले जाए कि बस उसको लगे कि रोज रोज अपमान हो रहा है, उससे तो बेहतर है कि आज सुसाइड कर ही लिया जाए। जब कोई मतलब नहीं है ना पढ़ाई का, शिक्षा का मुख्य धारा में लाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो व्यक्ति क्या करेगा, धरती पे बोझ ही है, सोच लेता है कि इससे तो अच्छा एक बार निपटे जाए, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, कुछ तो किसी को आहत पहुंचेगा। इस आत्महत्या के मामले में जो है थॉमस एक्विनस ने कहा कि दरअसल ये आत्महत्या एक जघन्य अपराध है। इसका मतलब अगर न्याय किसी के साथ नहीं हो रहा है, न्याय से वंचित है और वो आत्महत्या वाला कदम उठा रहा है, तो आत्महत्या को भी एक जघन्य अपराध माना जाएगा। और अपराध वो जिसके द्वारा किया गया, इसका मतलब उसको न्याय नहीं दिया गया था, उसको नहीं न्याय मिला था इससे उसने आत्महत्या की, न्याय मिलता शायद नहीं करता आत्महत्या। तो इस अपराध का भागीदारी जो न्याय नहीं कर रहा है उस व्यक्ति के साथ, वो भी पूरा पूरा है। मान लीजिए एक ऐसा फैसला आया जिसमें स्पष्ट था कि आप जो है दोषी नहीं है, आप दोषी हैं ही नहीं उसमें, और उस मामले में आपको दोषी ठहरा दिया गया, आपको इतना सदमा लगा कि आपने सुसाइड कर लिया, तो एक अपराध तो होना, एक व्यक्ति की जान तो गई है। उस व्यक्ति की जान गई है तो उस व्यक्ति के जान जाने के पीछे इस अपराध में क्या वही व्यक्ति जिम्मेदार है, क्या उसी को जिम्मेदार ठहरा जाए कि नहीं नहीं ऐसा किया है तो गलती रही, इस वजह से सुसाइड कर लिया। अरे उसको न्याय नहीं मिला तब उसने जो ऐसा कदम उठा लिया। ऐसे बहुत कम लोग हैं कि जिन्होंने गलती की, उसको माना, स्वीकार किया और फिर सुसाइड कर लिया, अपने आप को मिटा लिया। ऐसा सामान्यतः तो नहीं होता है। वो कहा जाता है कि मरण किसका है, शर्मदार का, एक झित्र कहावत है। तो अगर उस व्यक्ति को न्याय मिलता तो ऐसा कदम शायद ना उठाता। तो ये जो अपराध हुआ है वो किसके अभाव में हुआ है, न्याय के अभाव में। इसलिए थॉमस एक्वानस कहते हैं आत्महत्या एक जघन्य अपराध है, हीनियस क्राइम है, हीनियस क्राइम है। थॉमस एक्विनस तो इससे आप ओवरऑल एक कंक्लूजन तो निकाल पा रहे हैं कि दरअसल अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ जस्टिस की बात करें, न्याय के जो मूल घटक हैं उनकी बात करें, तो वो कौन कौन से नजर आएंगे इसमें। न्याय के जो मूल घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से नजर आएंगे। कंपोनेंट्स का मतलब होता है जो उसमें शामिल हैं, जो न्याय की धारणा में शामिल हैं। तो न्याय की धारणा में क्या क्या शामिल है, नहीं दिख रहा आपको, अभी तो बताया था ना ये, हाँ बताइए, ठीक है,
थोड़ा सा समझना है, अगर आप समझ गए तो जवाब दे देंगे। चलो आप बताओ इसका मतलब क्या है, वही बताओ। ये तो आप मुझे पॉजिटिव सेंटेंस बताओ, नेगेटिव ना बताओ। किसी ये तो लिखा है कि पूर्वाग्रह का ना होना, भेदभाव ना होना, पक्षपात ना होना, ये तो नकारात्मक वाक्य है। सकारात्मक बताओ इसका मतलब क्या है, वही न्याय के घटक हो जाएंगे। इनकी जगह नहीं है ना न्याय में, तो ये तो घटक नहीं है ना, इनका विलोम ही घटक हो जाएगा। समझ रहे इस बात को? जैसे पक्षपात की बात अगर हम करें तो फिर इसका उल्टा निष्पक्ष, तो निष्पक्ष हो गया, ठीक है, और भेदभाव रहित हो गया, ये सारी चीजें आ जाएंगी। यही तो उसके घटक हो गए। भेदभाव रहित का मतलब यह है कि आप सबको बराबर की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं और समता की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी और इक्विटी की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि न्याय के जो मूल घटक हैं, तो एकदम इन पे टिक नहीं मार देना, ये यही है। उसमें स्पष्ट लिखा है इनका कोई स्थान नहीं है, इनका स्थान नहीं है मतलब इनका जो विलोम है वही उसकी घटक हो गए, ठीक है। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जहां पे पूर्वाग्रह की कोई जगह नहीं है, भेदभाव नहीं है, पक्षपात नहीं है, इसका मतलब क्या है, आप निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, ठीक है, निष्पक्षता की बात कर रहे हैं आप, समानता की बात कर रहे हैं। पूर्वाग्रह एक उसी की एक धारणा है, उसी का एक तत्व है। जब आपके अंदर पूर्वाग्रह नहीं हुआ किसी को लेकर के, आप न्यूट्रल रहेंगे, सबके लिए आप जो है बराबर का निर्णय देते हैं, न्याय करते हैं, तो बराबरी की बात है, तो फिर वो समानता और समता की बात आती है, ठीक है। तो बैठ गए, उसी चीज को समझ लेंगे। तो देख रहे हैं न्याय के जो घटक है, इसको लिख लिया आप लोगों ने, तो एक बार जो है इस न्याय की डेफिनेशन को दोहरा दें, तेजी से दोहरा देते हैं, सभी बताएंगे एक साथ। भाई न्याय की परिभाषा को दोहराइए। तो दरअसल न्याय की जो धारणा है उसमें, न्याय की धारणा में पूर्वाग्रह, भेदभाव और पक्षपात के लिए कोई स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो राजनीतिक समाज है वो न्यायिक व्यवस्था पर टिका है, ठीक है। अगर उनके साथ न्याय नहीं होगा, समाज के साथ न्याय नहीं होगा, तो फिर वह समाज अराजक और दमनकारी हो जाएगा, और ऐसे में किसी भी सभ्यता का विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये न्याय की धारणा है, ठीक है। अब देख लेंगे न्याय के मूल घटक। न्याय के मूल घटक, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ जस्टिस, तो न्याय के मूल घटकों की अगर हम बात करें तो एक तो हो जाएगा निष्पक्षता, निष्पक्षता। भाई न्याय की धारणा में यही तो था कि पक्षपात नहीं होगा, इसका मतलब निष्पक्ष, निष्पक्ष है
तो न्याय की धारणा बन रही है, निष्पक्षता से जुड़ के न्याय की धारणा बन रही है। तो कंपोनेंट क्या हो गया, निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी या फेयरनेस। अब मुझे बताइए, थोड़ा संविधान में आ जाते हैं। संविधान, संविधान को आपने पढ़ा ही है। अब मुझे बताइए, निष्पक्षता आपको कहाँ दिखती है संविधान में, कौन से, हाँ कहाँ दिखती है, हाँ बोलो सही, विधि के, विधि के समक्ष समानता, ठीक है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, ठीक है, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। दूसरा कंपोनेंट की बात करें तो वो समानता और समता, समानता और समता, इक्वलिटी और इक्विटी। इक्विटी, इक्वलिटी एंड इक्विटी। जैसे निष्पक्षता को समझने का मतलब यह है कि आप किसी के साथ जो है पक्षपात नहीं करें, एकदम निष्पक्ष भाव से जो है बात कर रहे हैं, आपके मन में पूर्वाग्रह की कोई जगह ही नहीं है। समानता की अगर बात करें, चलो ठीक है कि आप जो है सबको बराबर मान रहे हैं, जैसे एक माँ बाप की बात को उदाहरण से लेते हैं, एक माँ बाप के लिए उसके जितने ही बच्चे हैं वो सब बराबर होते हैं, सब बराबर होते हैं, सबको बराबर नजरों से देखते हैं, सब बराबर होंगे, चाहे छोटा बेटा हो, छोटा बच्चा हो, बेटी हो, कोई भी है, सब बराबर, चाहे लड़की हो लड़का हो, सब बराबर है। यहां तक चलो ठीक है कि आपने सबको बराबर माना। अब समझते हैं समता क्या है, इक्विटी क्या है। मान लीजिए एक परिवार में दो बच्चे हैं और उन दो बच्चों को आप जो है बराबर, मतलब आधा आधा लीटर दूध पिला रहे हैं, आधा आधा लीटर दूध। एक कमजोर बच्चा है, कमजोर मतलब जिसको जरूरत है आधे से ज्यादा, मतलब मान लीजिए कि 600 ml की दूध की उसको जरूरत है, और एक बच्चा है जिसका 400 ml में ही काम चल जाएगा। और आपने कहा नहीं 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 सबको बराबर, दोनों बच्चे बराबर हैं तो बराबर ही दूध पिलाया जाएगा। कहने का मतलब कि दोनों बच्चों को आधा आधा लीटर दूध। सोच के बताइए, जिसको 600 ml की नीड थी उसको मिल रहा है 500 ml, इसका मतलब नीड से, जरूरत से कम मिला, और जिसको 400 ml की नीड थी सिर्फ सिर्फ उसको मिला है 500 ml, इसका मतलब उसको जरूरत से ज्यादा मिल रहा है। तो क्या ये न्याय है? यहाँ न्याय नहीं है। जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना दे दिया जाए, यही होगा समता, यही होगी इक्विटी।
600 ml लीटर दूध की जरूरत, जिस बच्चे को है उसको 600 ml दिया जाए, जिसको 400 ml की है उसको 400 ml, ताकि किसी के पास ज्यादा ना हो और किसी के पास कम ना पड़े। ठीक है, जैसे रूसो भी कहते हैं, रूसो के सब ये हैं, रूसो ने स्पष्ट कहा कि देखिए जो एक ढांचा है समाज का, उसमें कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो जाए कि वो दूसरे पर नियंत्रण करे, और कोई व्यक्ति इतना गरीब ना रह जाए जो दूसरे का शिकार हो जाए। कहने का मतलब बराबरी का मामला, बराबरी के साथ साथ मतलब समानता के साथ साथ समता को भी शामिल किया जाए, तभी तो न्याय है। अब ऐसे में क्या है, स्वाभाविक है विद्रोह होना भी। जैसे मान लीजिए अब तक क्या था, आप 2 गिलास में दूध लेके आ रहे थे, बराबर लेके आ रहे थे, आप अगर नहीं ये ठीक नहीं है ऐसे, डॉक्टर ने उसको 600 ml बताया तो उसको 600 ml दिया जाएगा, और एक को 400 ml बताया तो उसको 400 ml दिया जाएगा। अब देखिए बच्चे बड़े शैतान होते हैं, उन्होंने देखा ये कम है, कम वाला मुझे दे दिया मम्मी ने, वो कम वाला क्यों लेगा, वो तो वही ज्यादा वाला लेगा ना। तो यहाँ जो उनको समझाना है तो ये उस व्यवस्था का काम है, उस मम्मी का काम है कि वो कैसे बच्चों को समझाए कि बेटा तुम्हारे लिए ये ठीक है, तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है, उसके लिए भाई के लिए इतना ठीक है। तो क्या है, ऐसे में जब आप उसको समझा पाओगे, उसको बताओगे वास्तविकता क्या है कि उसको वास्तव में उसकी जरूरत है, तुमको जरूरत नहीं है, तुम ज्यादा लोगे तो तुम्हारा जो है पेट खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा उससे, ये सारी चीजें बतानी होगी, अच्छे और बुरे प्रभाव, एक संतुलन है। ऐसे में क्या होगा, एक संतुलन बना रहेगा, संतुलन नहीं होगा, संतुलित विकास नहीं होगा तो विद्रोह होना स्वाभाविक है, वहीं से निकल के आती है दमनकारी नीति, वहीं से होता है शोषण। जो व्यक्ति कमजोर था उसको आपने पूरा दिया ही नहीं है और अभाव में ही रहा तो वो और कमजोर होता जाएगा, और जिसकी वो नीड नहीं थी उतनी आपने उसको वैसे ज्यादा दिया है वो और पावरफुल होता जाएगा। तो गैप इतना हो जाएगा कि अमीर जो है और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। ऐसे में फिर जो अमीर है, जो जो शक्तिशाली है, बाहुबली है, तो वो अपनी ही चलाएगा, निरंकुश शासन रहेगा, निरंकुश व्यवस्था रहेगी। तो जो जैसा कहेगा वो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, और ऐसे में हो सकता है कि आप एक समय तक ही उस व्यक्ति का शोषण कर सके जो कमजोर है, एक समय के बाद हो सकता है कि वो विद्रोह के मूड में आ जाए। तो इसलिए न्याय करना बहुत जरूरी है, न्याय की धारणा को लाना बहुत जरूरी है, इन दोनों को समझना भी जरूरी है कि आखिर सिर्फ समानता से ही काम नहीं चलेगा, इक्वलिटी से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि समता को भी शामिल करना पड़ेगा, इक्वलिटी को भी शामिल करना पड़ेगा। और जब हम इक्विटी को शामिल करते हैं तब हम कह सकते हैं कि ये न्याय की धारणा है, यह न्याय के मूल घटकों में है। समझे इस बात को, अंतर कर लिए हमने, ठीक है। जैसे जब ये बैच शुरू हुआ था, आपको इस बैच की इंफॉर्मेशन दी गई थी, तो उस थंबनेल में एक डायग्राम बना हुआ था, एक पूरा पिक्चर बनी हुई थी, उस पिक्चर पे इन दोनों चीजों को दिखाया था हमने, पता है कि नहीं, देखा कि नहीं आपने, आपको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, नहीं देखो, मैसेज दिया था हमने इन दोनों चीजों को, इक्वलिटी और इक्विटी को दिखाया था, आप देख लेना उसमें स्पष्ट, जिसको जितनी जरूरत है। जैसे उसमें क्या बना हुआ था कि एक वृक्ष था, उस पर आम लगे थे, ठीक है, आम लगे थे, एक की हाइट 2 फीट, एक की हाइट 3 फीट, एक की हाइट 5 फीट, ठीक है। अब सभी को आम चाहिए, अब सभी को आम चाहिए के लिए आपने कहा नहीं नहीं एक टेबल है इसी पे हो जाए, चल इसी पे खड़े हो जाए आम तोड़ लो,
तो जिसकी 5 फीट हाइट है तो उसको तो आम हाथ लग जाएगा, जिसकी 3 और 2 फीट हाइट है वो टेबल पे खड़ा भी हो जाएगा तब भी आम हाथ लगेगा उसकी। नहीं, आपने कहा कि समानता है भाई, समानता मतलब बराबर बराबर टेबल, बराबर हाइट की टेबल मिलेगी, यही मिलेगी इसी से तोड़ लो। तो क्या उन दो बच्चों के उस दो व्यक्ति के साथ न्याय हुआ? नहीं हुआ। उसमें ये दिया हुआ था तो हमने क्या किया, इस समानता के साथ साथ चलो ठीक है हम बराबरी को मान रहे, चलो हमने मान लिया हम बराबरी का भेदभाव हम बिल्कुल नहीं कर रहे, हम सबको बराबर मान रहे हैं, सबको बराबर मानो कि बच्चे ही हैं। यहां आप रखो समानता के बच्चे हैं, ना लड़की ना लड़का, इनमें भेदभाव नहीं, दोनों बराबर हैं, तब कही जाएगी समानता। अब बात कर ले समता की, तो जिसकी कम हाइट है उसको उतनी ऊंचाई का स्टूल या टेबल दीजिए जिससे वो उस पर चढ़ के आसानी से आम तोड़ ले, फल को तोड़। और जब उन तीनों बच्चों को बराबर उसकी जरूरत के हिसाब से हाइट का टेबल स्टूल मिल जाएगा और उसकी हेल्प से वो उस फल को हासिल कर लेगा, तो सभी बच्चों उन तीनों बच्चों के पास क्या होंगे, फल होंगे, उन तीनों बच्चों के पास फल होंगे और तीनों खुश रहेंगे। यही न्याय है, यही समता है, ये हमने दिखाया था। इसलिए हम लोग देखते नहीं, आप लोग पूरा जो है आमिर खुसरो के टाइप की व्यक्ति हो, ठीक है। तो ये चीज अब मैसेज दिया गया था कि कम से कम इस चीज को समझ लो, तो ये क्लियर हो गए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कंपोनेंट्स बताए, न्याय के घटक बताए, तो दोनों को बता सकते हैं कि नहीं, क्या क्या हो सकते हैं, इनको डिफाइन भी कर सकते हैं कि नहीं, डिफाइन भी तो कर सकते हो ना, ठीक है। अब देख लेते हैं कि सामाजिक न्याय, इसको लेकर के एक सामाजिक न्याय की अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सामाजिक न्याय जो है वो समानता के साथ साथ संपूर्ण रूप में समता को भी बनाए रखने का एक नीतिगत प्रयास है, यही तो है, ठीक है। अब इसी चीज को हम समाज के स्तर पर लेके आएंगे तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे ओवरऑल, इन मूल जो घटक है हमारे, इनको एक परिभाषा का रूप देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे इसी में सामाजिक न्याय की अवधारणा को बात कर अवधारणा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो दरअसल सामाजिक न्याय वो समानता के साथ साथ है, ठीक है, किसके साथ साथ, समानता के साथ साथ संपूर्ण रूप में क्या है, समता को बनाए रखने का एक प्रयास है, नीतिगत प्रयास है, ठीक है। तो समानता के साथ साथ संपूर्ण रूप में समता को बनाए रखने का एक नीतिगत प्रयास है सामाजिक न्याय, तभी तो हम कहेंगे ये सामाजिक न्याय है। देखिए न्याय को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो क्या वैयक्तिक न्याय इंडिविजुअल जस्टिस और दूसरा सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस, ठीक है। भाई एक व्यक्ति है तो उसके लिए न्याय की अवधारणा की बात अलग है और एक समाज की बात, जैसे भाई अभी तीन की अवधारण दी तो एक व्यक्ति तो नहीं है ना, तीन व्यक्ति थे, तीन बच्चे थे, तीनों को फल चाहिए थे, तीनों को फल मिले, तो फल कब मिले, क्या समानता से ही मिले,
उसके साथ साथ शामिल किसको किया गया, समता को भी शामिल किया गया, ठीक है, यही हमने लिखा है। तो दरअसल सामाजिक न्याय क्या है, ये समानता के साथ साथ संपूर्ण रूप में समता को भी बनाए रखने का एक नीतिगत प्रयास है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ये सामाजिक न्याय है। जैसे जाति को लेकर के अम्बेडकर जी ने एक किताब लिखी, ठीक है, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। उसमें स्पष्ट कहा गया कि अगर भाई आप भेदभाव रखोगे, भेदभाव करोगे, पक्षपात करोगे, तो फिर आप न्याय कैसे बोल रहे हैं, तब तो न्याय नहीं है ना। अभी तो आपने पढ़ा ना कि न्याय में पूर्वाग्रह, भेदभाव और पक्षपात का कोई स्थान नहीं है, और वहीं आप ये बात कर रहे हैं कि जाति को लेकर के आपके मन में पूर्वाग्रह बना हुआ है कि ये तो बेकार, निम्न कैटेगरी के लोग हैं, नीच जात हैं, तो आप पक्षपात कर रहे हैं उनके साथ, आप भेदभाव कर रहे हैं उनके साथ, और आप ये कह रहे हैं हम न्याय कर रहे हैं। ये न्याय कहाँ से हो गया, ये तो न्याय की परिभाषा धारणा से एकदम परे है, एकदम अलग है। तो अम्बेडकर जी ने इस बात का जिक्र किया, उनकी बुक थी एनहाइलेशन ऑफ कास्ट। जाति का विनाश, ठीक है, एनालिसिस ऑफ कास्ट, जाति का विनाश नाम की बुक लिखी, और इसमें स्पष्ट बताया गया, समझाया गया ठीक है, ये डबल एन है, डबल एन है ये, और ये एच है। अब ठीक है, ए डबल एन आई एच आई एल ए टी आई ओ एन, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट। तो न्याय की परिभाषा को समझा हमने, न्याय के मूल घटकों को समझा, न्याय के सिद्धांत को भी समझ लेते हैं। और न्याय के सिद्धांत को हम किसी एक डेफिनेशन से नहीं समझेंगे, न्याय के सिद्धांत की जब हम बात करेंगे तो अलग अलग दार्शनिकों को समझेंगे, दरअसल अलग अलग दार्शनिकों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उन दार्शनिकों में जैसे सुकरात का नाम आपने सुना, प्लेटो का नाम सुना होगा, अरस्तु का, एरिस्टोटल, इन सब का जिक्र करेंगे। इन सब ने जो है न्याय की धारणा को, न्याय की परिभाषा को अपने अपने समय में उन परिस्थितियों के अनुसार डिफाइन किया। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि न्याय की जो परिभाषा है, न्याय की धारणा है, वो समय के साथ साथ बदली है, परिस्थितियों के साथ साथ बदली है। जैसे समय बदलता गया, आजकल तकनीक पे हम लोग निर्भर हैं, आप लोग इंटरनेट पे निर्भर हैं, साइबर की दुनिया में आपके साथ कोई अपराध होता है, उसके द्वारा कोई अपराध होता है, और हमारा संविधान स्पष्ट रूप में कहता है कि नहीं नहीं, ये संविधान जब बना है तब उसी की स्थितियों को, उसी परिस्थितियों को देखा जाएगा, अगली परिस्थितियों को नहीं देखा जाएगा, उसमें कोई नई चीजें शामिल नहीं होंगी, कोई संशोधन नहीं होंगे। तो जिस व्यक्ति के साथ आज के समय में साइबर अपराध हुआ है, क्या उसको न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो न्याय की धारणा अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती और बदलती रहनी भी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अब आगे देखते हैं न्याय का सिद्धांत, इसको लिख लिया आप लोगों ने,
अब धीरे धीरे आपको समझ आ रहा होगा, जो स्टार्टिंग में कभी इससे कुछ समय पहले पढ़ाया था पॉलिटी, उस टाइम पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है कि मतलब चल रहा होगा मन में आपके क्या है, रिजर्वेशन को लेके एकदम हु हल्ला होता है कि रिजर्वेशन क्यों, महिलाओं को क्यों जो है विशेष आरक्षण दिया जाता है, क्यों बच्चों को विशेष, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं, ऐसा क्यों, महिला पुरुषों को बराबर क्यों नहीं माना जाता है। तब तक हम क्या एक पहलू को ही समझ रहे होते हैं। अब धीरे धीरे तस्वीर जो है साफ होने जाने लगी होगी कि अच्छा ये मामला है, इसलिए जो है जिसको जितनी जरूरत है उसको उसके हिसाब से दिया जा रहा है। ठीक है, आगे और क्लियर हो जाएगा। अब देखें न्याय का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, न्याय के सिद्धांत की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस या थ्योरी ऑफ जस्टिस आप कुछ भी कह सकते हैं दोनों, या थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी अच्छा रहेगा यहाँ। ठीक है, प्रिंसिपल को हटा ही दो इसको, थ्योरी रखो, क्योंकि हम सिंगल एक दार्शनिक को नहीं पढ़ने वाले हैं, हम कई दार्शनिकों को पढ़ने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं। थ्योरी ऑफ जस्टिस, इस न्याय के सिद्धांत में हम सुकरात का जिक्र करेंगे, प्लेटो का जिक्र करेंगे, ठीक है, और अरस्तु, इनको पढ़ेंगे। ठीक है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, अरस्तु एरिस्टोटल, ठीक है, इंग्लिश में एरिस्टोटल, बाकी तो सब सेम नाम है आपके। जैसे आपका हिंदी में नाम अलग है और इंग्लिश में अलग है, ऐसा होता तो बेटा महान नहीं हो जाते आप लोग, सिकंदर, अलेक्जेंडर, अरस्तु, एरिस्टोटल, समझे, आप महान हो जाते ऐसे तो समझ लो बेटा शुरुआत यहीं से हो गई है। मतलब तो आने वाली पीढ़ियों का नाम आप जो है हिंदी में अलग रखना और अंग्रेजी में, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऐसा रखेंगे, इंग्लिश में नाम भी रखेंगे हिंदी में रखेंगे, अलग अलग नाम अपने बच्चों के, ईमानदार से हाथ उठाएंगे, यहाँ अलग अलग नाम रखेंगे, अलग अलग रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में बुला लो चाहे इंग्लिश में बुला लो, अलग अलग नाम। नहीं रखेंगे और समझ ना कि कुछ अगली बात ऐसी बोली जाएगी कि मामला ठीक हो जाएगा, रख के देखो तुम, तुम्हारी दादी जो है ना, मतलब बच्चों की दादी जो है वो कान ऐंट देगी आपके, राम प्रसाद नाम रहेगा। हाँ, इसी तरह से नाम रखते हैं पुराने लोग, आजकल नाम का भी ट्रेंड चला है, मतलब कम शब्द नाम में भी क्या है, कम अक्षर वाला नाम जो है एकदम अच्छा है। पहले तो मतलब आप साउथ इंडिया में चले जाइए तो आपको समझ आ जाएगा, नाम बता देते गोवा पहुंच जाओगे, समझे, हाँ इतना लंबा सफर रहता है, नाम ही इतना लंबा रहता है कि आप जो है पूरी लाइफ अपनी घूम के आ जाओगे, नाम ही खत्म नहीं होगा, हिंदा स्वामी, मुत्तर स्वामी, गेंडा स्वामी, खंडा स्वामी, पता नहीं क्या। ठीक है, इधर लिया चिंकी, चिंटू, पिंकी, हैप्पी, छोटे छोटे नाम, मतलब एकदम गोलू टाइप के नाम। और अब से पहले आप अपने पिताजी के नाम देख लीजिए, रामपाल, श्यामालाल, श्याम सुंदर, पता नहीं किस किस टाइप के नाम, अजीब टाइप के,
और इंडिया में तो एकदम जैसे चीन का मामला है नाम को लेकर के, इंडिया में तो अलग ही मामला है। इंडिया में तो जैसे कलर है वैसे नाम रख दिया, गोरा है ज्यादा एकदम भूरा है तो भूरे, काला है तो कालू कल्लू, लाल है तो लालू, पीला है तो पीलू, इस तरह के नाम, ठीक है। गोल टाइप का एकदम जो है हर तरह हर जगह से फूला हुआ एकदम, तो गोलू टाइप का, कमजोर है तो चीकू बोल देते उसको, इस तरह से। चीन के बारे में ऐसी मामला है जैसे बच्चा पैदा होता है कि बर्तन जो है वहां पे गिराए जाते हैं, बर्तन से जो आवाज निकली खन खन छन छन खन खन नाम हो गए। तो ये यही क्या है, संस्कृति है, ये सभ्यता बन जाती है। हर जगह ये नहीं देखिए, आप क्या नाम से अनुमान लगाते कि ये व्यक्ति उस जगह का है, नाम को अगर अगर आपसे भाई आपके सामने अगर नाम ले जाके शकुंतला देवी, आप समझ जाएंगे इंडिया है, इंडियन है, इंडिया की है, ठीक है, समझ जाएंगे एकदम स्पष्ट रूप से। शिंजो आवे तो आप समझ जाएंगे जापान के थे, अलेक्जेंडर यूरोप अमेरिका तक आपकी नजर जाएगी। तो ये क्या है, अपनी स्थानीय पहचान संस्कृति को भी बताता है, समझे अपने अपने। और इंडिया में तो डाइवर्सिटी के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, यहाँ तो आप जो है नाम से ही जाति तक पहुंच जाओगे, ये उस जाति का है, उस धर्म का है एकदम। ये भी क्या है, अपनी एक पहचान बनाता। फिलहाल उसको नजरअंदाज करेंगे, अभी हम न्याय के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो जिसमें सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ठीक है। सुकरात लिख लो आप लोग, इंग्लिश वाले देख रहे हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल तो सुकरात ने जब न्याय का सिद्धांत दिया, तो पांचवी सदी की अगर बात करें, पांचवी सदी ईसा पूर्व की अगर बात करें, तो जो उस टाइम की व्यवस्था थी, तत्कालीन व्यवस्था थी, उस पर सुकरात ने सवाल उठाए, प्रश्न चिन्ह उठाए, संतुष्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि कुलीन तंत्र था और कुलीन तंत्र के विरोधी थे। तो कुलीन तंत्र के कुलीन तंत्र के ये विरोधी थे। जो व्यवस्था थी कुलीन तंत्र, इस व्यवस्था के इस व्यवस्था पर प्रश्न उठाए, किसने? सुकरात ने। कब की बात है ये? तो पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। इन्होंने जो न्याय की परिभाषा दी, न्याय को जो डिफाइन किया, वो उस परिस्थिति को देख करके, जो तत्कालीन परिस्थिति थी, तात्कालीन व्यवस्था थी, उसके हिसाब से। तो सुकरात के अनुसार दरअसल न्याय का मतलब होता है कि एक बेहतर चरित्र का होना। उन्होंने बताया कि न्याय का मतलब क्या है, एक बेहतर चरित्र होना। बेहतर चरित्र होना, ज्ञान का होना, बेहतर चरित्र के साथ साथ
ज्ञान होना। और इसी ज्ञान के आधार पर जो है सत्ता को एक्वायर्ड करना, अधिग्रहित करना। और इसी ज्ञान के आधार पर सत्ता को अधिग्रहित करना, एक्वायर्ड या अर्न करना, अधिग्रहित करना। ये सुकरात ने न्याय की परिभाषा में कहा। देखिए, आप किसी जैसे क्या अपेक्षा करते हैं कि बेहतर चरित्र का मतलब इसमें है कि उसके अंदर क्या है, किसी को लेकर के पूर्वाग्रह ना हो, भेदभाव ना हो, पक्षपात ना हो, तभी क्या है वो बेहतर चरित्र होगा। चलो मान लीजिए एक व्यक्ति जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, कोई पूर्वाग्रह नहीं ले बैठा है मन में, कोई पक्षपात नहीं, मगर पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो अगर उसको न्याय की गद्दी में बैठा देगा तो क्या वो न्याय कर देगा? तो परिस्थिति को समझ नहीं पाएगा, उसके सामने जो तथ्य आएंगे, एक व्यक्ति वो बता रहा है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया है, तो अच्छे अच्छे गलत किया है, ओहो ये तो गलत हो गया। फिर दूसरे ने कहा साहब नहीं, इसने मेरे साथ गलत किया, तो अच्छा आपके साथ गलत किया है, ये तो बहुत गलत बात है। फिर दूसरा कहेगा आपके साथ गलत किया नहीं, दोनों की बात सुन रहा है, उस पे दोनों की बातों पर सुन करके सिर्फ मात्र पछतावा कर रहा है, उसको दिखा रहा है अरे आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ गलत हुआ। तो ऐसे भी नहीं, कम से कम जानकारी हो, ज्ञान हो, दोनों की बात सुन ले, दोनों की बातों का निष्कर्ष निकाल ले, उसको अमल में लेके आए, और ये तभी होगा जब उस व्यक्ति के पास ज्ञान होगा, और उसी ज्ञान के आधार पे वो न्याय करेगा, फैसला सुनाएगा। फिर चाहे उसके लिए कितना ही अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही बाहुबली क्यों ना हो, और फिर उसके लिए चाहे कितना ही कोई निम्न वर्ग का गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, वो दोनों की परिस्थितियों को समझेगा, दोनों के मतों को समझेगा, दोनों के पक्षों को समझेगा, दोनों के तर्कों को सुनेगा, और फाइनली एक अपना फैसला सुनाएगा। अपना मतलब जो बेहतर फैसला होगा, जो बेहतर डिसीजन होगा, जो न्यायोचित होगा, ये सुकरात ने कहा कि अगर आपके पास ये दो चीजें हैं, बेहतर चरित्र और ज्ञान, बेहतर चरित्र और ज्ञान, तभी आप किसी के साथ न्याय कर सकते हैं, इसी ज्ञान के आधार पे आप न्याय कर सकते हैं। सोचिए देखिए, इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज हो तो क्या आप किसी को न्याय दिला सकते हैं? मान लीजिए कि आपके पास ज्ञान है, अगर एकदम बढ़िया नॉलेज है, टॉप, आपने जो है एग्जाम दिया तुरंत एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है पहली रैंक लेके आ गए, और आपके पास बेहतर चरित्र नहीं है, आप 10 रुपए में बिक जाते हैं, जो कुरकुरे भी नहीं बिकता, आप बिक जा रहे हैं, छोटी मोटी रकम मिल रही है, एकदम बिक जा रहा है, अरे चलो तुम्हारा देख लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या ऐसे में गरीब व्यक्ति को न्याय मिलेगा? अपेक्षा कर सकता है वो? नहीं करेगा। दूसरा, आपके मन में पूर्वाग्रह बैठा हुआ है कि इस नाम के व्यक्ति दंगाई होते हैं, आतंकवादी होते हैं, पूर्वाग्रह आपके मन में बैठा हुआ है, तो आप कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, आप उस व्यक्ति को न्याय नहीं दे सकते, उसके साथ न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर पूर्वाग्रह है। आपके मन में आपने एक धारणा बना ली है कि जो निम्न व्यक्ति होते हैं, निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं, निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं, उनसे दूर रहना ही बेहतर है,
उनके साथ पक्षपात आप कर रहे हैं, भेदभाव पूर्ण जो है तरीका अपना रहे हैं, तो क्या उन वर्ग के साथ, निम्न वर्ग के साथ आप न्याय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको कितनी भी चाहे ऊंची गति पे बैठा दिया जाए, नहीं कर पाओगे। तो इसे दोनों का क्या है, होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये बताया सुकरात ने। तो आज के लिए इतना ही कवर करते हैं, नहीं तो आप लोग के माइंड ना ब्लॉक हो जाएंगे एकदम, गुब्बार छूटने लगेंगे कि ज्यादा न्याय की बातें ना करो, नहीं वरना हम जो है विद्रोह कर देंगे, इस तरह का नहीं होना। ठीक, कल जो है हम प्लेटो के बारे में बात, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही।